ना ना ऐसे नहीं, प्रॉमिस करोगे मिलोगे मुझसे। अच्छा भाई प्रॉमिस। इधर तो मुझे पप्पो वो क्या पप्पो? हाँ हेलो हेलो हाय। इसलिए जाती हो कॉलेज ये सब सीखने के? लड़कों से इस तरह की बातें करती हो तुम? तुम्हारी तो खबर लेती हूँ। आयशा मुझे बता दिया होता मैं आ जाती मिलने। अरे मरियम इसमें कोई बात थोड़ी है, पता है मैं घर पे अकेली थी और मैं तब बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे ही मिल लूँ आके। चलो फिर तो अच्छा किया, मैं वैसे खुद भी काफ़ी बोर हो रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऑफिस ज्वाइन किया? नहीं कल से जाऊँगी। चलो ये तो अच्छा किया तुमने, अब तुम्हारा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होगा। अच्छा मरियम मुझे एक बात बताओ, उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ क्या तुम मुझे वो डिटेल में बता सकती हो? उस दिन बस मैं अपनी रेगुलर रूटीन की तरह उठी हूँ, मैंने अपनी मेडिसिन ली है जैसे हमेशा से लेते आ रही हूँ। पता नहीं मेडिसिन लेने के बाद अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गई कि फिर उसके बाद मुझे सप्तैन को बुलाना पड़ा और फिर मुझे सही से कुछ याद भी नहीं है, बस सप्तैन ही थे मेरे साथ। तौबा तौबा गज़ब खुदा का, माँ मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे कानों ने क्या सुना है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक बात बता दे, इस हया की अभी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से ये उस लड़के से बात कर रही थी ना, शर्म से मेरा सर झुक गया। अम्मा मुझे एक बात बता दे, भाभी ने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है? बस कर दो कमल, क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बतंगड़ बना रही हूँ बात का? अम्मा आप तो कुछ मत कहिए, ये सब आपकी ढील का नतीजा है। पहले आपने मरियम को ढील दी, अब इसको। मेरे वक्त में तो आप मुझे फोन के पास फटकने नहीं देती थी। पप्पू आप गलत समझिए, मैं गलत समझ रही हूँ? रिटाई देख रहे हैं आप लोग इसकी, बजाय इसके कि ये शर्मिंदा हो जूतों समेत मेरी आंखों में घुस रही है। कमल बच्चों से गलती हो जाती है और बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम बगैर इजाजत के क्यों उसके कमरे में घुस गई और यूं कान लगा के बातें सुनना बुरी बात होती है। भाई मैं क्यों इसके कमरे में जाके बातें सुनूंगी? मुझे कहवा पीना था तो मैं चाह रही थी कि मुझे कहवा बना के दे दे। मैं इसे ढूंढते ढूंढते निकली तो पता चले ड्राइंग रूम में बैठी हुई उस समीर से बहुधा बातें कर रही थी। अच्छा कमल अब जो हो गया सो उसको दरगुजर करो। हया बेटा तुम भी कम बातें किया करो। वाह बाजी, इतनी बड़ी बात हो गई है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि दरगुजर कर दो। तो तुम क्या चाहती हो, क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो, क्यों घर का माहौल खराब करना चाहती हो? मैं घर का माहौल खराब कर रही हूँ? ठीक है अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं यहां से चली जाऊं तो चली जाती हूं मैं। करते रहिएगा शौक से जो आप लोगों ने करना है, लेकिन बाद में मत कहिएगा कि किसी ने समझाया नहीं। तुमने पहली दफा ये मेडिसिन ली थी? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। तो
पहले तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार जब मेडिसिन ली थी तो ऐसा हुआ है। हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं मरियम, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ ये जानबूझ के किया है। लेकिन कोई भी मेरे साथ ऐसी सी घटिया हरकत क्यों करेगा? देखो मरियम, मैं ये तो नहीं जानती कि ये कौन है जो तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है इस घर में, लेकिन तुम्हें ये सब ना खुद फिगर आउट करना होगा। लेकिन मरियम, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आयशा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। देखो मरियम, ये बात मैं तुम्हें खुल के नहीं बता सकती, लेकिन मैंने और शहीर ने सिप्तैन की लाइफ बहुत क्लोजली देखी है। तुमने कभी सोचा है कि सिप्तैन ने शादी इतनी लेट क्यों की है? मरियम, सिप्तैन को हमेशा हर खुशी ना टुकड़ों में मिली है। तुम एक वाहिद इंसान हो जो उसकी लाइफ में बहुत खुशियां लाई हो। बस एक बात और कहना चाहूंगी, इस घर में सिप्तैन की खुशियों के दुश्मन मौजूद हैं। तुम प्लीज उसका साथ मत छोड़ना। मैं बस चाहती हूं कि तुम दोनों खुश रहो। आजकल की लड़कियां आज फोन पे बेहुदा बातें कर रही हैं, कल पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगी। कवल बस कर दो, क्या क्या बोले जा रही हो बस। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, आप तो बहुत भोली हैं। सारा वक्त तो घर के कामों में लगी रहती है, आपको क्या पता कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। इस तरह भड़का रही ना पापा मम्मी को मेरे लिए। मैं अब्बू और अम्मी को कभी शर्मिंदा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा तो तुम समीर से बेहूदा बातें क्यों कर रही थी फोन पे? गलती हो गई थी मुझसे, अब नहीं करूंगी। कमल अब बात को खत्म करो, नजीब आता होगा और मैं नहीं चाहती कि इस घर में और कोई तमाशा हो, बस कर दो। नहीं भाईजान को तो यह बात पता चलनी चाहिए, उन्हें भी तो पता चले ना उनके पीछे उनकी बेटियां क्या गुल खिलाती हैं। बस कमल बस। जब मैं कह रही हूं तुम्हें कि यहां पर बात को खत्म कर दो तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए, अब एक लफ्ज और मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप कहती है ना तो मैं चुप रहूंगी, भाई को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप मेरी, वो लड़का हमारी हया के लिए ठीक नहीं है, बता रही हूं मैं आपको। इसकी इतनी हिम्मत कि मरियम को हमारे खिलाफ भड़काए? है कौन ये? कहती थी मैं सिप्तैन से ये दोस्ती ठीक नहीं, हर उसने अपना रंग दिखाई थी। अगर मरियम आयशा की बातों में आ गई फिर, अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। मुझे उसे यहां से निकालना होगा, वरना ये मेरे भाई को मुझसे छीन लेगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे ये मेरे रास्ते में आती है। अनिला नाम है मेरा, कल की लड़कियां मेरा मुकाबला करेंगी, हार नहीं मानूंगी।